1796 1796, ये वो ऐतिहासिक वर्ष है जिसमें एक साइंटिस्ट ने बहुत ही कमाल की एक मेडिसिन डेवलप की। साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड जेनर और उन्होंने जो मेडिसिन डेवलप की थी वो मेडिसिन बनाई गई थी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी के लिए जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। सन 2016 आते आते वो दुनिया की पहली ऐसी बीमारी थी जिसको इस दुनिया से लगभग जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया सिर्फ उस कमाल की मेडिसिन की वजह से। बाद में उस मेडिसिन को 1796 के बाद पता लगाया गया और उसे एक नाम दिया गया जिसे कहा गया वैक्सीन। वो पहली सक्सेसफुल वैक्सीन थी जिसने किसी बीमारी को ट्रीट किया था। उस डिस्कवरी के बाद जैसे इस फील्ड में एक कंपटीशन लग गया। 1796 के बाद लगभग 1885 तक काफ़ी सारी इस पर रिसर्च हुई और 1885 में एक बहुत ही महान माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था लुईस पाश्चर, उन्होंने और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं उनके माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक के फील्ड में, लेकिन 1885 में उन्होंने एक दूसरी वैक्सीन तैयार की जिससे उन्होंने ट्रीट किया एक दूसरी बहुत ख़तरनाक बीमारी को जिसका नाम है रेबीज़, जो कि डॉग या मंकी या रोडेंट्स के काटने से अक्सर हो जाती है। कई बार इस बीमारी से जान भी चली जाती है। इस वैक्सीन के सक्सेसफुल होने के बाद इस फील्ड में और ज़्यादा कंपटीशन आया और लगभग 20वीं सदी के मध्य तक यानी कि 20th सेंचुरी के मिड तक बड़ी बड़ी जितनी बीमारीज थी जैसे कि कॉलेरा, डिप्थीरिया, पोलियो, एंथ्रैक्स, इन सब की वैक्सीन तैयार कर ली गई सिर्फ और सिर्फ इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से। और इसके बाद में लगभग जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारीज हैं उनको कंट्रोल कर लिया गया। इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ, लोगों की जान बचाई जा सकी, बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सके और मेडिकल और क्लिनिकल रिसर्च में एक बहुत एडवांस जो था एक रिवॉल्यूशन सा आ गया। लेकिन इसके कुछ और भी इफ़ेक्ट्स पड़े जैसे कि डेथ रेट में इतनी ज़्यादा कमी आ गई कि दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि आज हम देख सकते हैं कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लोगों ने तबाही मचा रखी है। तो इन वैक्सीन्स के बहुत सारे फ़ायदे भी रहे हैं और बहुत सारे नुकसान भी रहे हैं हम कह सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारे वीडियो का जो मेन कैप्शन है, टॉपिक है, वो है कि ये वैक्सीन्स आखिर बनाई कैसे जाती हैं। आज के वक्त में अगर हम देखें तो नोवेल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। इतने लोग, लाखों सैकड़ों लोग इससे मारे जा चुके हैं, लाखों लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित हैं और लोग डरे हुए हैं, घरों में छुपे हुए हैं। तो सवाल उठता है ऐसे में कि अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार क्यों नहीं की गई। हमारे पास में मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, बट अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद में इस सवाल का जवाब एक बहुत अच्छे सिंपल से सवाल में ही छुपा है और वो यही है जो हमारे वीडियो का कैप्शन है, यानी कि वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, यानी कि वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं और वैक्सीन्स जो नोवेल कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बन पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोज़ बनाने में। ओके, तो अब शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक कि वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं। उसके लिए आपको इस प्रोसेस को बहुत बहुत रिलैक्स होकर समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, एक बार समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप मान लीजिए ये एक वायरस है। ओके, ये एक वायरस है, मैं इसको वी से डिनोट कर देता हूँ। ये एक वायरस है, इस वायरस ने एक ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट किया। वेल, दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी। वेल, अगर आपको लग रही हो तो मैं इसकी आइज़ बना देता हूँ। ओके, ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसने इसको इन्फेक्ट किया और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया। इस वायरस के ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए,
हम जो है सिम्टम्स नज़र आएंगे, या तो फीवर होगा, कफ होगी, या फ्लू टाइप के कुछ सिम्टम्स होंगे, जो भी जिस भी टाइप का वायरस है उस तरह के सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे। तो उसके हम क्या करेंगे, मेडिसिन्स लेते हैं। तो क्या सिर्फ वो मेडिसिन्स ही हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, और कोई हमारे पास में डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? देखिए, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी का एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और हम उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, कोई भी कंट्री है, उसके पास में अपना अपनी आर्मी है, अपने इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, और एटम बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो उसका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि कोई बाहर से कोई कंट्री या कोई आर्मी या कोई बंदा आकर उस कंट्री पर अटैक ना कर दे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसी तरह बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि कोई वायरस है या कोई भी पार्टिकल है, उससे बचने के लिए ह्यूमन बॉडी के पास में अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, इम्यून सिस्टम। बेसिकली ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में अंदर एंटर करता है और ये अपने आप को नंबर में इंक्रीज करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि वायरस कैसे रेप्लिकेट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, या कोरोना वायरस कैसे ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वायरस ने खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया और अपने नए कॉपीज़ बना लिए। तो वायरस ने जब इन्फेक्ट कर रहा है वो ह्यूमन बॉडी को, तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये एक्शन में आएगा, और इस वायरस के अगेंस्ट एक केमिकल रिलीज करेगा। ये जो केमिकल है, बेसिकली इस केमिकल को हम कहते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, और इन प्रोटीन्स को नाम दिया जाता है इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन इस वायरस के ऊपर अटैक करेंगे ह्यूमन बॉडी में, और इनको ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर ये वायरस इससे ज़्यादा पावरफुल हुआ, या इसकी क्षमता इस प्रोटीन से ज़्यादा हुई, या ये प्रोटीन इस पर एक्ट नहीं कर पाई, तो हमें क्या होगा, बीमारी हो जाएगी, डिजीज़। लेकिन कुछ हद तक ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, इस बीमारी को रोकने का ट्राई करता है। तो जो ये केमिकल्स हैं, ये एंटीबॉडीज होती हैं। अब ये कब सिक्रीट हुई, जब हमारी बॉडी ने डिटेक्ट किया कि हमारे अंदर कोई वायरस जो है वो एंटर कर गया है, उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने ये केमिकल सिक्रीट किया। अब वैक्सीन्स कैसे बनाए जाते हैं, देखिए ह्यूमन बॉडी को बेसिकली क्या किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। वैक्सीन्स बनाने के लिए क्या किया हमने, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक वायरस था, ये एक वायरस था हमारे पास में, किसी भी बीमारी का हो सकता है। इस वायरस को हमने लिया और इसको किसी केमिकल से इतना वीक कर दिया कि इसकी डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी ख़त्म कर दी, डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी ख़त्म कर दी। ये वायरस अभी भी है, ये दिखने में भी वैसा ही है, ये रेप्लिकेट भी वैसे ही कर रहा है, लेकिन इसकी हमने क्या किया, डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी ख़त्म कर दी, और इस वीक वायरस को हमने क्या किया, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर दिया या इंजेक्ट कर दिया। बेसिकली हम नीडल से, सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट कर दिया। अब इंजेक्ट करने के बाद ह्यूमन बॉडी में जब ये एंटर हुआ वायरस, तो ह्यूमन बॉडी को लगेगा कि यहाँ पर कोई अटैक हुआ है किसी वायरस का, और वो क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी इम्यूनोग्लोबिन्स को सिक्रीट करेगी ह्यूमन बॉडी, और ये इम्यूनोग्लोबिन्स इस वायरस को किल कर देंगी। अब ये इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, इनके पास मेमोरी होती है, स्पेशल मेमोरी, कि ये अगर एक बार किसी वायरस के अगेंस्ट सिक्रीट हो जाएं तो ज़िंदगी भर ह्यूमन बॉडी में रहेंगी और उस वायरस के अगेंस्ट वर्क करती रहेंगी। तो हमने क्या किया था, हमें मालूम है कि पूरी दुनिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, पूरी दुनिया में फैल रही थी। जब उसकी वैक्सीन बनाई गई तो स्मॉल पॉक्स को बहुत वीक फॉर्म में लिया गया, बेसिकली कह सकते हैं कि सेफ वर्जन है ये वायरस का, सेफ वर्जन है, डिजीज़ कॉज नहीं करता। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसका वायरस हमने लिया और ह्यूमन बॉडी में डाल दिया,
वीक वाला, ह्यूमन बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबिन्स बनाए और इस वायरस को तो मारा ही मारा, साथ में इसकी मेमोरी बना ली कि आगे से कभी वो वायरस ह्यूमन बॉडी में आएगा तो उसको पहले से पहले ही मार देंगे हम। ठीक, तो जब स्मॉल पॉक्स का वायरस किसी नॉर्मल ह्यूमन में, जिसमें हमने इंजेक्ट कर दिया था पहले से ही वीक वाला वायरस, जब इसके ऊपर आके अटैक करेगा तो वहाँ पर पहले से ही इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होंगे उस वायरस के अगेंस्ट और वो उसको तुरंत के तुरंत ख़त्म कर देंगे। तो ये प्रोसेस है वैक्सीन बनाने का। हमने फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की हमने वीक फॉर्म लेनी है, वीक फॉर्म लेने के बाद में ह्यूमन बॉडी में डालना है और उसके अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाएगी। इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं इनको और क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी और जब किसी को वो फिर से जिसमें हमने इंजेक्ट किया है, अगर उस किसी पर्सन को नोवेल कोरोना वायरस जो है आके अटैक करता है तो वहाँ पर पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी और वो उस कोविड 19 नोवेल कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगी। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, आखिर इतना वक्त हो गया, लाखों लोग मर चुके हैं इससे और कितने साल लाखों लोग जो है इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित हैं, अभी तक क्यों नहीं बन पाई है इसकी एंटीबॉडी वैक्सीन, इसकी क्यों नहीं बन पाई है। देखिए उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला तो ये कि वैक्सीन बनाने के लिए ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि हमने किसी भी वायरस को उठाया और केमिकल डाला और उसको वीक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको इंजेक्ट कर दिया किसी ह्यूमन में। अगर ऐसा करने पे थोड़ा बहुत वायरस जो था वो एक्टिव फॉर्म में रह गया तो पर्सन तो ख़त्म हो जाएगा, उसको डिजीज़ हो जाएगी, उसको वो तो मर जाना है। ठीक है, तो ये भी बहुत एक लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो 3 फेज में होते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन के अकॉर्डिंग टू FDA, वो एक मतलब एक एजेंसी है, एक उसके अकॉर्डिंग जो ये ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन बनाने के लिए वो 3 फेजेस में होते हैं। फेज 1 जिसमें कि लगभग 100 लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है उस वैक्सीन को जो नई बनाई गई वैक्सीन है। उसके बाद जो सेकंड फेज है उस फेज में लगभग कुछ फ्यू हंड्रेड पीपल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है उस वैक्सीन को, और 3 फेज क्या है कि फ्यू थाउजेंड पीपल्स के ऊपर उस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या ये वैक्सीन सेफ है, इसके क्या क्या जो है पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कितना टाइम लगता है इस वैक्सीन को असर करने में, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के क्या हो सकते हैं। वेल अगेन ये एक दोबारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अप्रूवल में ही लगभग इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स में लगभग हमारे 18 मंथ्स से लेकर 24 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है। ओके, लगभग 2 साल का ये मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम है ये, इतना टाइम लगता है मिनिमम क्लिनिकल ट्रायल्स में किसी भी वैक्सीन के। और कुछ बहुत सारी वैक्सीन्स ऐसी भी हैं जिनमें लगभग 5 से 10 साल का टाइम भी लगा है वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए। तो इतना आसान नहीं है वैक्सीन डेवलप करना, क्योंकि ये बहुत माइक्रोबायो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सभी चीज़ें होती हैं, तो ये काफ़ी टफ है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ताकि किसी को नुकसान ना हो जाए। जिस तरह नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 एक नया स्ट्रेन बन के उभरा है, कोरोना वायरस तो बहुत पहले डिस्कवर किया जा चुका था लेकिन कोविड 19 एक न्यू स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, तो इस तरह से जब हम वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो ये वीक फॉर्म वाला वायरस इवोल्यूट कर जाए और एक नया स्ट्रेन बना ले जो और ज़्यादा डेडली हो, इसी तरह से कहीं महामारी ना फैल जाए। इस तरह के ट्रायल्स के लिए काफ़ी टाइम लगता है और यही रीज़न है कि अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन पूरी तरह या डेवलप नहीं हो पाई है, इसमें टाइम लगेगा। तो बेहतर यही होगा स्टे होम स्टे सेफ, और अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो यार अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, जो बायोलॉजी के फील्ड से नहीं है उनको भी शेयर करना, क्योंकि ये नॉलेज की चीज़ें हैं कि वैक्सीन्स कैसे डेवलप किए जाते हैं। ओके, सो पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।